हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सिगार। वेजिटेबल सिगार की रेसिपी बहुत ही इजी है। ये वेजिटेबल चॉप कटलेट की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक झटपट रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। साथ में लेंगे कुछ हरी सब्जियां, जैसे कि बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, बारीक कटे हुए गाजर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। आप यहाँ अपने पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे पानी में घोला है। ये रोस्टेड सेवैया यूज कर रही हूँ इसे रैप करने के लिए। तो यहाँ जो बॉयल पोटैटोज मैंने लिया था, इसे अच्छे से पहले मैश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करने वाले हैं, जैसे कि बारीक कटे हुए प्याज, स्वीट कॉर्न, बारीक कटे हुए गाजर और हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक। ये सभी 1 और 2 टेबलस्पून के हिसाब से हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने डाला यहाँ पर खड़ा ज़ीरा, स्वाद के अनुसार नमक, भुना जीरा और चाट मसाला। बहुत ही सिंपल मसाले हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैं मसाले भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं ग्रेट किया हुआ चीज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और डाल रही हूँ यहाँ पर पनीर 1/2 कप के बराबर। इसे भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। सभी मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है सिगार बनाने की। तो हाथ में एक मीडियम साइज का बॉल ले लेंगे और इसे लंबे आकार से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये सिगार से थोड़ा सा छोटा ही साइज है, लेकिन मैं इसी तरह का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारे सारे सिगार बन के रेडी है। अब इसे हम कोट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम कॉर्नफ्लोर का जो मैंने बैटर बनाया है उसमें हम डीप करते हैं, और बारीक जो ये है रोस्टेड सेवैया है उसके अंदर हम डालकर इसे रैप करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 बार इसे कोट करूँगी, ताकि ये जो बारीक सेव है उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। दोबारा मैंने वापस इसे कॉर्नफ्लोर के घोल में डाला और इसे निकाल कर हम तुरंत ही रोस्टेड सेवैया के ऊपर रख देंगे। थोड़ा हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसे हम चिपका लेंगे। और देखिए, इस तरह मैंने पूरा सिगार बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है तलने के लिए। तो एक के बाद एक अच्छे से इसमें हम फ्राई कर लेंगे। इसे आंच मैंने यहाँ पर पहले बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखा था, हल्का तेल गर्म होने के बाद मैंने डाला। बहुत ज़्यादा तेल गर्म करके ना डालें, नहीं तो ऊपर का जो कोट है, क्योंकि ये रोस्टेड सेवैया है, वो जल जाने का डर रहेगा। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। और ये उलटते पुलटते देखिए कितना अच्छा ये ऊपर से क्रिस्पी हो गया है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे तेल को अच्छे से निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाला ये एक इवनिंग स्नैक्स है। इसे आप कभी भी बनाकर शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसे दबाकर ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं गरम गरम। आप इसे टमाटर की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।